बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो जो दोस्त पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो जी मेरा नाम मुअज़्ज़म इखलाक है और मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ। इस वक्त जी ये चल रही है हमारी कुमराट सीरीज़, जिसकी ये थर्ड एपिसोड है। तो इससे पिछले एपिसोड में हमने जहाज़ बांडा को एक्सप्लोर किया था और मैं जहाज़ बांडा पहुँच गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो यहाँ पे ऊपर दे देता हूँ, वो जाके आप बाद में देख लीजिएगा। और उससे पहले कुमराट वाली एपिसोड है, अगर उस वो भी नहीं देखी उसका लिंक भी यहाँ पे मैं डिस्प्ले में दे दूँगा। बांडा, इस वक्त ये जो मेरे पीछे आप बड़ा खूबसूरत सा व्यू देख रहे हैं, ये जहाज़ बांडा का ही है। तो मैं कल रात यहाँ लेट पहुँचा था। ये होटल है और यहाँ पर इसकी बैल्कनी में वो स्टेयर्स के पीछे छोटा सा मैंने अपना कैंप जो है वो लगा लिया था। तो अभी जनाब प्लान ये है कि नाश्ता मैंने कर लिया है एंड आई एम जस्ट रेडी टू लीव। तो ये मेरा थोड़ा सा सामान ट्रैकिंग के लिए ये सामने पड़ा हुआ है, अभी ये मैं पिक करूँगा और निकलते हैं ट्रैक के लिए। आप साथ साथ रहिए, आपको दिखाते हैं कटोरा लेक। कटोरा झील अपर दीर के इलाका जहाज़ बांडा के करीब सतह समुंदर से 11,500 फुट की बुलंदी पर वाकया एक बर्फानी झील है। कटोरा झील तक रसाई के लिए थल बाजार से करीब 15 किलोमीटर का सफर तय करके आपको पहुंचना है टिकी टॉप। ये सफर सिर्फ जीप या मोटरसाइकिल पर ही मुमकिन है। टिकी टॉप से 2 से 3 घंटे का पैदल ट्रैक आपको लेकर जाएगा जहाज बांडा। जहाज बांडा से 3 से 4 घंटे की मजीद पैदल मुसाफत तय करके आप पहुंच जाते हैं कटोरा झील तक। कटोरा झील के ट्रैक को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1, जहाज बांडा से छोटी कटोरा झील तक निस्बतन आसान चढ़ाई और उतराई पर मुश्तमिल रास्ता, जिसके लिए जहाज बांडा से घोड़ा बआसानी दस्तयाब है। नंबर 2, छोटी कटोरा झील को बाईपास करने के लिए पथरीले ट्रैक पर दरमियानी नोयत की चढ़ाई वाला रास्ता, जिसको झील में कश्ती के जरिए भी अबूर किया जा सकता है। नंबर 3, छोटी झील से कटोरा झील तक पथरीले रास्ते पर सख्त चढ़ाई वाला हिस्सा, जिसे सिर्फ पैदल चलकर ही अबूर करना मुमकिन है। कटोरा झील पर सिर्फ 2 टक शॉप मौजूद हैं, जहां पर चाय वगैरह दस्तयाब है। रिहायश और खाने की सहूलियात के लिए जहाज बांडा ही बेहतर जगह है। सुबह के जी 8 बज गए। मेरा प्लान था कि मैं 6:30-7 बजे अपना ट्रैक स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन निकलते निकलते टाइम लग गया। तो अभी सुबह 8 बजे मैं अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मॉर्निंग का बड़ा खूबसूरत सा व्यू है। अच्छा व्यूवर्स, अभी बड़ी मॉडरेट सी तकरीबन 15 से 20 मिनट की हाइक हुई है। तो यहाँ से मेरे पीछे आपको पूरा व्यू नज़र आएगा जहाज बांडा का। तो अभी तक जो है वो डाउनहिल ट्रैक था और ये थोड़ा सारा पैच आया सिर्फ अपहिल ट्रैक का। तो आगे का ट्रैक मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से ये सीधी पगडंडी ये इस तरह से वो ऊपर जाएगी और उन पत्थरों के ऊपर से होके ये इस साइड को जाना है। तो अभी निकलते हैं आगे, फिर कंटिन्यू करते हैं, साथ साथ मैं आपको व्यूज दिखाता हूँ। Thank you.
अच्छा व्यूवर्स, ऑलमोस्ट 1 घंटा 5 मिनट हो गए मुझे हाइक करते हुए। तो ये मैं जिस पॉइंट पे आया हूँ, मैं अपने तौर पे इसको चेक पॉइंट 1 कहता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं डिवाइड करता हूँ इसको 3 हिस्सों में, इस ट्रैक को। ये फर्स्ट चेक पॉइंट है, आगे सेकंड चेक पॉइंट भी दिखाऊंगा, और उसके बाद थर्ड चेक पॉइंट जो है वो डेफिनेटली हमारी लेक होगी। तो इसको फर्स्ट चेक पॉइंट क्यों कहते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये आपने मेरी फिंगर को फॉलो करना है। ये सामने जो है ये जहाज बांडा है, ठीक है। तो इस साइड से मैं आया हूँ, ये एक पूरी वैली थी, ठीक। यहाँ पे खड़े होके अब यहाँ से ये एक नई वैली स्टार्ट हो जाती है इस साइड को, ठीक है। और ये पगडंडी सी आपको नज़र आ रही होगी, इसके ऊपर हम वो अपहिल क्लाइम करेंगे, और वो ये जो जंक्शन है यहाँ से फिर हमने राइट टर्न लेना है, वो सेकंड चेक पॉइंट है। यानी वहाँ पे भी एक वैली ख़त्म होती है और दूसरी स्टार्ट होती है। तो चलें अपने ट्रैक को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक टक शॉप हुआ करती थी ये इस जगह पे, इस बड़े पत्थर के नीचे, लेकिन आज बंदा नहीं बैठा हुआ, मेरी लक। तो कोशिश करें कि अपने साथ खाने पीने की एनर्जी के लिए जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो जहाज बांडा से लेकर ही निकले। पानी का कोई इशू नहीं है, पूरे ट्रैक पे आपको हर जगह पानी पानी मिलेगा। चले फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इस ट्रैक के लिए आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये ट्रैक जो है ना बहुत ज़्यादा पथरीला है। तो एक तो आपके शूज़ मज़बूत होने चाहिए, और उनका सोल जो है वो मोटा होना चाहिए ताकि नीचे से पत्थर जो है वो आपके पैरों को ना छुए, ये तो आपके पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा और आप फिर ट्रैक करने के काबिल नहीं रहेंगे। बाकी अब यहाँ से थोड़ा सारा हार्ड ट्रैक स्टार्ट हो जाता है, चलते आगे चल के फिर मज़ीद ट्रैक दिखाता हूँ। अच्छा व्यूवर्स, ये आप सामने जो देख रहे हैं ये है छोटी कटोरा लेक। यहाँ पे बोटिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और नीचे ये नीचे यहाँ पे टक शॉप भी है। तो अगर आप वक्त स्पेंड करना चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नीचे नहीं जाऊँगा। उसकी रीज़न, नीचे जाने के बाद भी आपको जाना वहाँ पे है, तो ये अच्छी खासी हाइकिंग हो जाएगी, पहले नीचे फिर ऊपर। तो लेक में आपको यहाँ से और डिफरेंट एंगल से ऊपर थोड़ा आगे जा कर दिखा देता हूँ। आगे हम अपने मोटिव पे ही रहेंगे और सीधा चलेंगे कटोरा लेक की तरफ। चलिए अपने ट्रैक को आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा व्यूवर्स, ये अब सामने आ गया ग्लेशियर। तो वैसे तो ये ट्रैक वो जा रहा है ऊपर, ग्लेशियर के ऊपर से गुजरने का रास्ता बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप देखें तो नीचे से मेल्ट हो चुका है। ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगा, जब ग्लेशियर मेल्ट हो रहे होते हैं तो वो कभी भी टूट सकते हैं। तो थोड़ी सी यहाँ से एफर्ट करेंगे, नीचे जाएंगे और ग्लेशियर को नीचे से ही बाईपास करेंगे, ऊपर जाने का रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है।
ग्लेशियर क्रॉस कर लिया है। और अभी जो मैंने आपको बताया था कि सेकंड चेक पॉइंट आएगा, मैं बिल्कुल उसकी तरफ जा रहा हूँ। ये सामने देखें, तो यहाँ पे पहुँच के आपको मैं फिर व्यू दिखाता हूँ। ये ऊपर टॉप पे जाके वो वाली हिल नज़र आना शुरू हो जाती है जिसकी बैक पे कटोरा लेक है। हाँ, मैं ऊपर से व्यू दिखाता हूँ आपको। अच्छा व्यूवर्स, ये सेकंड चेक पॉइंट का व्यू है। ये वो वैली है जहाँ से हम आ रहे हैं, और यहाँ से इस साइड पे अगर आप देखें तो इस साइड को हमने जाना है। ये वाली जो पहाड़ी है, ये यहाँ से जो ये पानी एग्जास्ट हो रहा है, इसकी बैक पे कटोरा लेक है। और ये जो सामने ग्लेशियर्स नज़र आ रहे हैं, इनकी बर्फ़ मेल्ट होने से ही लेक बनती है। तो अभी ये ट्रैक जो है वो सारा अप हिल यहाँ से वो ऐसे इस तरह से करेंगे। तो अभी मैं 2 मिनट ज़रा यहाँ पे रेस्ट करूँगा, फिर निकलते हैं और आगे लेक तक पहुँचते हैं। ऑलमोस्ट जी 70% ट्रैक जो है वो हमारा हो चुका है। और दो बातें इस ट्रैक के लिए याद रखें, जिसमें से एक बता चुका हूँ कि आपके शूज़ अच्छे होने चाहिए, ट्रैक में पत्थर बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, यहाँ पूरे ट्रैक में कहीं पे भी दरख्त नहीं है, तो कैप और अगर हो सके तो कोई मफरल टाइप स्कार्फ, ये मस्ट यूज़ करें, अदरवाइज़ सनबर्न होने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। मौसम ठंडा है लेकिन हाइट पे सनबर्न जल्दी होता है, और ये ट्रैक है। थोड़ा सारा ट्रैक रह गया, और ट्रैक ये देख लें, ये सारे बड़े बड़े पत्थर हैं। उसके बाद वो ग्रीन वाले एरिया से होके वो ये जहाँ से पानी आ रहा है, ये यहाँ से इधर तक जाना है, इसकी बैक साइड पे लेक है। लेकिन थकावट भी हो चुकी है, और ये बड़े बड़े पत्थर जो है ना, इन पे चलना बहुत मुश्किल है। एनी हाउ, करना तो है, करेंगे। फाइनल हाइक, और बड़ी ख़तरनाक किस्म की है, आपको फील हो रहा होगा। वालेकुम अस्सलाम। सो व्यूवर्स, फाइनली कामयाब हो गए फिर से एक ट्रैक कंप्लीट करने में। तो दिस इज़ माइटी कटोरा लेक। तो पहले आप उसके कुछ व्यूज़ चेक करें, बाकी गपशप फिर आपसे बाद में होती है।
कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आपको कटोरा लेक पसंद आई, नहीं पसंद आई? ट्रैक आपको कैसा लगा ये आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर मेरी एफर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बाकी जी, अभी यहाँ से मैं वापस निकलूँगा और मेरा ख्याल है यहाँ से घर ही जाना पड़ेगा। तो ये हमारी कुमराट सीरीज़ की आखिरी वीडियो थी। तो बाकी इंशाल्लाह जी ज़िंदगी रही। तो नेक्स्ट प्लान है, कुछ दिन बाद ईद है, उसके बाद स्कर्दू जाने का। इस दफ़ा स्कर्दू को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लोर भी करेंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे। जाने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जी मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।